सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कदम अर्श पर है, ज़मीं पर है रोज़ा, ज़मीं आसमां से सजी जा रही है। बुला लो ना आका हमें भी मदीने, हमें कमली वाले की याद आ रही है। रोता था दिल और रोती थी आँखें, रोती थी ज़ैनब खड़ी कर्बला में। महशर का दिन है, हिसाब हो रहा है, कोई हंस रहा है कोई रो रहा है। नवासों की गर्दन कटी जा रही है, अली की कमाई लुटी जा रही है। कदम अर्श पर है, ज़मीं पर है रोज़ा, ज़मीं आसमां से सजी जा रही है। वालेकुम अस्सलाम सर, आपका नाम मोहम्मद अवैस, स्कूल का नाम नई गर्लफ्रेंड स्कूल। कितना अर्सा हो गया आपको इस फील्ड में? अल्हम्दुलिल्लाह जो अर्सा तो जो है 10 साल तो हो गया, तो लेकिन इस इलाके में जो है 3 साल हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो किस तरह शौक हुआ एक म्यारी? देखिए सर, शौक तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वालदैन से हुआ। मेरे जो वालदैन का प्रोफेशन जो है वो टीचिंग है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे वालदैन ने जो स्कूल का सिर बुनियाद रखा था उसे 20 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी छुट्टी पर चल रहा है। तो अपने पेरेंट्स से मोटिवेशन मिली, और दूसरा एक शौक था कुछ करके गुजरने का, और अल्हम्दुलिल्लाह शौक को पूरा भी कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल में से ये मुझे काम करते हुए मैट्रिक का सोफी से जल गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड क्लास में से कभी भी आज तक कोई बच्चा फेल नहीं हुआ, और हर साल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इलाका में नुमाया पोजिशन भी हासिल की। इसके अलावा आपकी क्या मसरूफियात है? उसके अलावा खास की मसरूफियत शुरू टाइम जो है स्कूल होता है, शाम टाइम अल्हम्दुलिल्लाह अकेडमी चला रहे हैं। उसके अलावा सिर्फ एसोसिएशन जो है वो आज स्कूल एंड अकेडमी एसोसिएशन में सेक्रेटरी भी हूँ, तो उसके साथ दोस्तों के मामला वगैरह भी, अदारों के मामला वगैरह देखते होते हैं शाम में। इलाके के मसाइल? इलाके के बहुत से मसाइल हैं। मिसाल के तौर पर इधर जो है वो बेसिक जो सहूलियात का फुकदान है, फॉर एग्ज़ाम्पल के बहुत से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पानी की फैसिलिटी नहीं है, प्रॉपर साफ़ पानी नहीं है। उसके अलावा जो है साफ पानी के अलावा गैस की सहूलत नहीं है, डेवलपिंग जो है वो जैसे कि सूरतें बेसिक होती हैं, सड़कें नहीं हैं, तो उस किस्म के जो है वो लोगों को जो है मसाइल का सामना है। अच्छा, मैंने भी ये बताइए कि क्या हुकूमत तावन कर रही है स्कूलों को? नहीं सर, अगर ये कहा जाए कि हुकूमत स्कूल्स के साथ तावन कर रही है तो ऐसा बिल्कुल जो है गलत होगा। हुकूमत तो बल्कि जो है प्राइवेट स्कूल्स के लिए मुश्किल से मुश्किल क्रिएट कर रही है। हर चीज़ को कमर्शलाइज़ किया जा रहा है, पानी के बिल से लेकर बिजली के बिल से लेकर हर चीज़ को कमर्शलाइज़ किया जा रहा है, और हर चीज़ में जो है प्राइवेट सेक्टर से टैक्स लिया जा रहा है। 30 तरह के टैक्सेज हैं जो एक प्राइवेट सेक्टर जो है वो अदा कर रहा है, और हुकूमत की तरफ से किसी एक सिंगल चीज़ की भी रिलीफ नहीं। क्या करना चाहिए? देखेंगे, एजुकेशन जो है वो कोई भी मुल्क की कामयाबी के लिए जो बुनियादी किरदार अदा करती है। हुकूमत को चाहिए कि एजुकेशन सेक्टर जो आपको परफॉर्म करके दे रहे हैं, अगर जितने भी एजुकेशन सेक्टर खत्म कर दिए जो गवर्नमेंट पोजीशन में नहीं है, तो वो सबको अच्छी तरीके आ रही तरीके से। अगर आप देखें तो जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं एक मर्यादी तरीके दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए उनके साथ ताबुन करें, और जो प्राइवेट सेक्टर परफॉर्म नहीं करते हैं अपना मैार में पूरा नहीं होता तो उनके खिलाफ एक्शन लें, लेकिन अगर जो है वो उन्हें सहूलतें नहीं दे सकते लेकिन उनके लिए परेशानियाँ क्रिएट ना करें। तो मैंने भी ये बताया कि पीछे कोरोना लॉकडाउन में क्या सहूलतें होंगी स्कूलों के? देखिए सर, अगर देखा जाए तो कोरोना में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो स्कूल्स को है, और स्कूल्स के साथ साथ बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। देखिए, बच्चे माहौल में रहे हैं, माहौल में जो बच्चों ने बहुत सी नेगेटिव चीज़ें सीखी हैं,
उनकी जो वो आदत जो है वो बदल गई है, और जो बच्चों की बुनियाद है उसमें भी बहुत ज़्यादा खराब हुए हैं। और माँ बाप ने सिर्फ अजाला नहीं किया, सिर्फ समझा नहीं है कि एक बच्चा जो है वो तरीके के साथ जब वो गिफ्ट रहता है उसको कितना फ़ायदा होता है। और माँ बाप ने भी ये कोशिश की है बजाय ये कि अदारे के साथ अटैच रहने की, उन्होंने कहते हैं हम अपनी फीसें बचा लेते हैं, लेकिन फीसें बचाने के साथ साथ बच्चों की बहुत ज़्यादा बुनियादी जो नुकसान जो है उनकी बेसिस ख़राब हो गई। तो हुकूमत ने कोई तावन नहीं किया उस दौरान? नहीं सर, हुकूमत का जो है वो उनकी जो प्रायोरिटीज ही नहीं है एजुकेशन। अगर उनकी प्रायोरिटी एजुकेशन होती तो पूरा मुल्क चल रहा था। आप बाज़ारों में रश देखते हैं, कोरोना के डेज में शादी हाल चल रहे हैं तो तलीमी अदारे बंद ना होते, कोई एक भी रिलीफ नहीं दिया गया अभी तक। जितने भी प्राइवेट सेक्टर से उनके बिल्स हैं, पानी के बिल हैं, देखिए अदारे बंद हैं, आपने कोई भी पानी के कमर्शल बिल नहीं है। और जितने भी अदारे इलाके में भी हैं, किसी का 50,000 बिल है पानी का, किसी का 1,00,000 है, किसी का 2,00,000, और कोई रिलीफ नहीं है उसमें। कोई पैगाम दें बच्चों के वालदैन को अपने अदारे की तरफ? मेरा माँ बाप को यही पैगाम है कि देखें कि आपका जो फ्यूचर आपके बच्चों से लिंक्ड है, तो बच्चों के ऊपर फोकस करें और ये चीज़ देखें। आप किसी भी अदारे में बच्चे को भेजते हैं, आप ये चेक करें, मॉनिटर करें क्या वो बच्चा अगर जा रहा है कुछ हासिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। आया कि अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो आने वाले 5-6 साल बाद आप देखेंगे बच्चे को चेक करेंगे, बच्चे को कुछ भी नहीं आ रहा होगा, तो तब सिवाय पछताए के कुछ नहीं आ जाएगा। इससे पछतावे से बचने के लिए बच्चों की मॉनिटरिंग करें, वो कोई भी अदारा है। अब जब मॉनिटरिंग करेंगे तो उससे बच्चे के आपको अंदाज़ा भी होगा, बच्चे किसी में कमी रहेगी है, आप उस कमी को फुलफिल करने की कोशिश भी करेंगे। तो रिजल्ट आपका माशाल्लाह क्या रहता है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो सालाना रिजल्ट है इस दफ़ा भी जो है हमारी बच्ची मैट्रिक में 1,085 नंबर लिए हैं, और इसके साथ जो है 9th क्लास में जो है 502 और 496। और अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में जो है हमारा रिजल्ट नुमाया है, और इस चीज़ का जो पेरेंट्स बड़ी अच्छी बखूबी जानते हैं कि इस अदारे का एक मयार है। कहाँ तक क्लास? अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक।